चल मेरे पास मत आ, हट हट चल उड़ जा। हाँ से तो है हरवा कौन पता बस कितना ये देख रहे हो रस्सी यहाँ पे बांध रखी थी टूट गई भाई, फोन नीचे गिर गया था। आ जा भाई साहब। अरे चलो बढ़िया बढ़िया धन्यवाद धन्यवाद काम कर दी पक्का पक्का बढ़िया बढ़िया। अरे वाह क्या बात धन्यवाद देख दो मजाक तो नहीं करना चो। हाँ अरे वाह क्या बात है देख लो भाई। दोस्तों सबसे पहले प्रणाम और शिवा सोली आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब, होप सो आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए एक बार फिर से एक नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं, आइए फिर कुछ खास करते हैं। दोस्तों अभी सुबह वीडियो की शुरुआत हो गई है सूर्य की पहली किरण के साथ, किरण बाद में आई और मैं पहले उठ गया क्योंकि सुबह सुबह तो अभी आए हैं सुबह सुबह रनिंग करने के लिए। रनिंग नहीं नहीं रनिंग करने नहीं आए, ऐसे आए थे घूमने के लिए। मैं आज आपको एक और नए मेहमान के साथ मिलाता हूँ जिसने कल ही मुझे ज्वाइन किया है। तो यहाँ देखो ये है हमारा सोनू, इसका नाम भी सोनू ही है ठीक है। इसने कल ही ज्वाइन किया, 12वीं के पेपर दिए और सीधे घर आ गया। ये बढ़िया हो गया। अभी भाई ने हमारे भतीजा है मेरा, तो अभी उसने अग्निवीर का पेपर भी दे रखा है, तो पेपर ठीक ही गया होगा है ना। पेपर तो बढ़िया गया, पेपर बता रहा है एक नंबर गया है, तो बाकी वो रिजल्ट ही बताएगा कैसा गया है पेपर। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है तो हम रोड में आए थे ऐसे घूमने के लिए, तो हल्की फुल्की तो सुबह सुबह ठंड हो ही रही है। ये निकला तीर, ये लगाया, ये निकाला तरकस से तीर, ये सेट किया। तो अभी हम सड़क में जैसे घूम ही रहे थे, तो आजकल बिल्कुल देखो बढ़िया से एक नया फल खिल रखा है, इसे बोलते हैं हमारी भाषा में सोले। तो काफी प्यारे होते हैं, सुबह सुबह हमने कहा चलो इन्हीं के मजे लिए जाए। क्या बात है। तो यहाँ देखो अभी तो हल्के हल्के ही पक रखे हैं, थोड़ा बहुत सोनू भी लग गया है यहाँ पे बिल्कुल। सोनू ठीक हो रहे हैं ना? मस्त है। कैसा फील आ रहा है फिर गाँव आके? मेरा हाँ फील ठंड हो रही है। ठंड हो रही है बहुत। हाँ ठीक है, सुबह सुबह देखो सोनू का भी कहना है ठंड हो रही है क्योंकि प्लेन्स में तो काफी गर्मी हो रही है ना। नियली ही तेरी मुखड़ी, ये बुए तेरी मुखड़ी बाल कंडल लग गया यार। गार्ड लगा रखा इस पे है? बार्ड ना। यहाँ देखो यहाँ पर कुछ दिन पहले कलाकारी हो रही थी, बस उसके बाद काफी टाइम तक ऐसे रह गया, बाकी कल से दोबारा शुरू हो गई है। ये वाली पेंटिंग देखो और ये वाले देखो, यहाँ पे देखो कितना प्यारा लग रहा है ना ये वाला सीन, और साथ ही में ये वाला यहाँ पे देखो, ये वाला ये देखो तुम यार, घर के सामने शहरे लगे हुए हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। कहाँ जा रहे हो भाई साहब आप घूमने? ओहो शादी में जा रहे हो? किधर जा रहे हो? अर से लेके आ जाना भैया तुम, आजकल शादियाँ हो रही है तब आके हैं। चलो ठीक है शादियाँ खाओ। सुरभ भाई तुम भी जा रहे हो क्या? अच्छा वहां तक जा रहे हो, चलो ठीक है चले जाओ फिर। तो चलिए जी भाभी तो चली गई है शादी में, वहाँ शादी है भाभी के मामा जी के लड़के की शादी है, तो वो जा रखी हैं। तो मैं अभी हो गया है नाश्ते का टाइम, माँ भी गई है थोड़ा नीचे तक छोड़ने के लिए, नाश्ते का टाइम है फिलहाल, नाश्ता करते हैं। यहाँ देखो नाश्ते में कुछ ऐसा मैंने सब्जी और रोटी ले रखी है, कटोरी खराब नहीं खानी है ना, फिर धोनी पड़ेगी मेरे को, इस वजह से रोटी में ही रख ली। जा रहे हो भाई तुम फुल फॉर्म में हो के यार? कटिंग कटिंग कटिंग। हाँ। संडे का दिन वाला यानी कटिंग का दिन। कटिंग देखो भैया एक ये भी आ गया कटिंग वाला, एक यहाँ है शर्मा जी, इनके बाल काटने वाले है ना। तो संडे का दिन जैसा कि आपको पता ही है डेली कटिंग का टाइम होता है, तो आज भी कटिंग का ही टाइम है, तो इनके बाल काटने ये दोनों आ रखे हैं, फिर इसके बाद पता नहीं अभी कितने आते हैं। आज संडे को लाइन लगने वाली है, शायद आज कमर की बैंड बजने वाले हैं। तो गाइस आज है हम आपके कमेंटेटर, क्योंकि आज चाचू बहुत बिजी हैं भाई साहब के बाल काटने में, जिनके कट ही नहीं रहे। इनके बाल सेम डबरू जैसे हैं, डबरू जैसे काफी कड़कड़े बाल हैं इनके भैया। ये कैंची कैंची टूट गई है। डबरू जैसा है क्या आपके पास? कैसे है फिर? कुछ कहेंगे आप? नो कमेंट्स। ये खत्म सिंह है यार। ये नेक्स्ट हमारे भाई साहब है बॉडी बिल्डर, मौसम कहे तो जब से मैं गांव आया हूँ यहाँ पे बहुत बढ़िया हो रखा है। मैं अपने गांव के लिए बहुत लकी हूँ, मेरे आते यहाँ पे सारी धूप आ रखी है, बारिश चली गई, मौसम एकदम अच्छा हो गया, सुहाना है ना, एक नंबर हो गया। इसके बाल देख सोनो भाई, इसके बाल एक नंबर है, देख क्या सिल्की बाल है इसके, जो बाल थे ना कहाँ गया डबरू, इसके बाल थे ना जो ये डबरू जैसे बाल है इसके, इतने हार्ड बाल, इसके बाल देखो ना क्या सिल्की है यार भाई, लगता है डेली नहाता है। हाँ ये डेली नहाता है लग रहा है ना, डेली नहाता भाई।
बाल अच्छे हैं भैया आपके। मैं तेल लगाता हूँ। अच्छा तेल लगाते हैं आप, कौन सा तेल? मिट्टी तेल डाबर आमला, डाबर सरसों का। हाँ, डाबर सरसों। अच्छा ठीक है, चलो भैया। यार भैया आप तो यार कॉमेडी करते हैं, आपने तो सिखा रखी है। हाँ क्या बात है। देखो भैया वैसे तो मैं ये के लिए थोड़ा क्या बोलते हैं परहेज के लिए बोला था, बट परहेज होता किससे है। मुझे मैंने लास्ट टाइम मैगी खाई थी जब हमने कैंपिंग की थी उस टाइम पे, तो उसके बाद से आज थोड़ा सा कर रहे हैं। तब देखते हैं, कभी कभी मुझे चीट भी करना चाहिए। काफी चीजों से परहेज कर रहा हूँ तो अब इससे परहेज नहीं कर सकता। लो भैया काफी टाइम वेट करने के बाद मैगी बनी गई है। हाँ स्वाद ले रहे हैं बढ़िया से। यहाँ पर सोनू भी ले रहे हैं, दोनों सोनू है, ये भी सोनू है ये भी सोनू है। बट वैसे नाम इसका पीयूष है और इसका आयुष है। नाम भी यार मैचिंग हो रहे तुम्हारे भैया। अच्छा एक ही गाँव के हो। अच्छा चलो बढ़िया भैया। भैया आप कहाँ के हो? अच्छा आप तो काफी स्मार्ट आ रहे हो यार। तो ये आप आ रहे आज के मास्टर शेफ थे जिन्होंने मैगी बनाई। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी है दिन का टाइम, लगभग 3:30 का टाइम है। धूप बहुत खतरनाक लगी हुई है। अभी हमारा प्लान बना है तेलंगाना जाने का, तो अभी वहां जा रहे हैं। फिलहाल आवाज भी ठीक नहीं है और सर जुकाम लगा है और खांसी तो फिर है ही। मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले खांसी की दवाई लेके आनी है, क्योंकि खांसी मेरी ठीक हो गई थी बट फिर दोबारा से हो गई। और कुकी भी गायब है 2-3 दिन से, तो सुना है फोन आया है कि वो सिमड़ी में है, तो उसको भी ऊपर आते ले आएंगे। चलो साहब डॉक्टर साहब की दुकान में थोड़ा दवाई लेने के लिए। हालत देख ही रहे होंगे आप, बोले इनसे कि सर्दी जुकाम लगी खतरनाक। अरे इतनी सींदा मेरा ना पड़ा इन बुजुर्ग जाना चाहिए पट खतरनाक। जुकाम खतरनाक बुखार तो नहीं आना। ओके खत्म करूंगा, रुक जा बेटा। ओहो अभी हम पहुंचे ठीक सिमड़ी गांव के ऊपर। और यहाँ पर देखो, यहाँ इन दोनों को मैंने ला रखा था यहाँ, पहले ही बोल दिया कि कुकी को पकड़ के लाओ। हाँ भाई, अरे रुक जा बेटा, इधर नहीं आ, इधर मत आ, चल मेरे पास मत आ, हट हट हट। कहाँ था तू? क्या क्या? अभी रुक जा बेटा, घर जाके इलाज करूंगा। यहाँ देखो इसको तुम। देवू भाई जिंदाबाद, देवू भाई जिंदाबाद, देवू भाई जिंदाबाद। देवू भाई क्या हाल है? फोड़ जा, चल फोड़ जा। हाँ से चलो भाई साहब, ढूंढ ही दिया आपने है, कहाँ मिला आपको? ऊपर कहाँ? ऊपर। अजी भाई साहब, अजी कल चिताना छो जब ध्यान जाए छोट पड़े ना तब चितान तो बोल। लो जी अभी हम बैठे थे यार, अभी दोबारा से उतर गए। भैया आप बाहर आओगे क्या? अरे अरे क्यों नहीं खुलना? हाँ चल खुल गया है। अरे भाई साहब ये किराना चौके तुम
चला हाला गुमराह कर बोलन ती करता आवारा खूब बन तो है अरे वो कौन था पता बस की टाइम ये देख रहे हो रस्सी यहाँ पे बांध रखी थी टूट गई भाई फोन नीचे गिर गया था आ जा भाई अरे नहीं मरो ला ले यार तो भी खत्म ही जाए क्या हालचाल ठीक ठाक तो ये हमारे भाई साहब है जो कि यहाँ पर पेंटिंग का काम कर रहे हैं और सब ठीक ठाक तबीयत पानी बढ़िया चलो बढ़िया बढ़िया तबीयत पानी ठीक है रहने चलिए तो यहाँ देखो कुछ यहाँ पे पेंटिंग्स ये पहले बनी हुई थी तो ये अब बन रही है देखो कुछ यहाँ पे ये सुबह दिखाई थी यहाँ पे ये अभी बनी है और ये सामने दूसरी बन रही है और भाषा और कुछ बनना बाकी रह गया है अभी तो बहुत है काम है चलो बढ़िया बढ़िया धन्यवाद 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 चलो भैया कैसा लग रहा है आपको आप घर आ गए और अभी मार खाओगे घड़ी में यार पता क्या होता है जब ये इधर उधर भागता ना तो मैं बोलता हूँ कि यार बहुत मारूंगा जब आएगा पर जब घर आ जाता ना फिर उसके बाद मुझे दया आने लगती है यार फिर मैं नहीं मारता यार ऐसा ही है यार चलो कोई बात नहीं दादी राम राम बैठे जाओ ये देखो दोस्तों पुराने टाइम के टोपे देखो खतरनाक रहते हैं ना मंकी कैप भाई साहब पूरा जाड़ा खत्म या हमारे दादी पूर्व सैनिक भी रह चुके हैं इंडियन आर्मी में पता आपको दो दो सर्विस की है उन्होंने इंडियन आर्मी में